हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें से टॉपिक है आज का मांसपेशी तंत्र यानी कि मस्क्यूलर सिस्टम से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे परीक्षा में, चाहे वो एलटी हो, यूजीसी, नेट, जीआईसी, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो। मस्कुलर सिस्टम से फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इससे ही रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। वो भी मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां, यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय पेशियां। उसमें से 639 कुल पेशियां पाई जाती हैं, उसमें से 400 पेशियां ओनली रेखित यानी कंकाल पेशियां ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 639। अब यहां भी पूछ देगा कि मानव शरीर में कितनी कंकाल मांसपेशियां या रेखित पेशियां होती हैं, तो 400। अगर ये पूछ देगा दोस्तों कि मानव शरीर में सर्वाधिक किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, तो रेखित पेशियां यानी कंकालीय पेशियां। तो ये आपका 3-4 सवाल एक ही क्वेश्चन में बन गया। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड दोस्तों, जो मांसपेशी है यह भ्रूण के मीसोडर्म से बनता है। किससे बनता है? भ्रूण के मीसोडर्म से। अपवाद यह है कि जो हमारे आंखों का आयरिस और सिलियरी पेशी है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, यदि पूछ देता है कि मांसपेशी का विकास कैसे हुआ होता है या कैसे बनता है, तो भ्रूण के मीसोडर्म से। बट आंखों की आयरिस और सिलियरी पेशी किससे बनता है? तो एक्टोडर्म से। और दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है। और दोस्तों, हमारे शरीर के भार का 40 से 45% भाग बनाता है पेशियां। एंड दोस्तों, हमारे शरीर में 1/4 भाग मांसपेशी में जो होता है, 1/4 भाग यानी कि 25% भाग प्रोटीन तथा 3/4 भाग पानी, यानी कि 3/4 का मतलब 4 भाग का 3 भाग, यानी 75% भाग पेशियों में पानी होता है। डायरेक्ट यदि पूछेगा कि पेशियों में कितना परसेंट पानी होता है, तो 75% होता है। मानव शरीर में कितना होता है पानी की मात्रा? 70%। और दोस्तों, प्लाज्मा में कितना होता है? तो 90%। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार 40 से 45% होता है, उसमें से 40% ओनली रेखित पेशियों का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरियस मसल्स, जिसे हम टेलर मसल्स भी कहते हैं। यह जो है जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी है शरीर की। यह कमर को मोड़ने, हमारे हिप का विस्तार करने, हिप का संकुचन करने, हिप को मोड़ने में और घुटने को सीधा रखने में, पैर को सीधा रखने में सहायक होता है। एंड दोस्तों, वहीं पे आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है, तो ग्लूटियस मेडियस होता है, जो हमारे हिप में होता है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है मानव शरीर की, तो स्टेपिडियस होती है, जो कान में होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, तो हमारा मसेटर मसल्स होता है।
ठीक है, आगे चल के ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो हमारे शरीर को आकार कौन देता है? मांसपेशियां। नेक्स्ट है, मांसपेशी कितनी प्रकार की होती हैं? तो मांसपेशी तीन प्रकार की होती हैं, आप सबको पता है, स्वैच्छिक मांसपेशी तथा रेखित मांसपेशी, अनैच्छिक अथवा समतल या स्मूथ मसल्स एंड हृदय पेशियां। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। जैसा कि इन तीनों प्रकार के मांसपेशियों के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, उस मसल्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आप उन सभी वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा किसी ने डिटेल में नहीं बताया है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इन तीनों पेशियों के बारे में, जिसको आपको बेसिक जानकारी हो जाए। जैसे कि जो हमारे ऐच्छिक पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां, जो बहुकेंद्र की मतलब एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्र की होती है, बेलनाकार होती है, धारीदार, यह ध्यान में रखना। एंड कंकाली होती है, यानी कि जो रेखित पेशियां होती हैं वह टेंडन यानी कि कंडरा के द्वारा हमारे अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, और इसमें तीव्र संकुचन होता है, 1 सेकेंड में 10 से 12 बार इसका संकुचन हो सकता है। और ये ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं वह हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए थक जाती हैं, लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे इसमें थकावट होता है। एंड इसमें श्वेत पेशी तंतु की अधिकता पाई जाती है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि हमारे पेशियों में दो तंतु होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, उसमें से श्वेत मसल फाइबर की रेखित पेशियों में ज्यादा अधिकता होती है। और जो हमारा रेखित पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियां हैं, इसको नियंत्रण कौन करता है? सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रण करता है। एंड जैसे कंकाली पेशियों में कौन है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टाइट, क्वाड्रिसेप्स, पेक्टोरिस मेजर, ये सभी हैं। और इसमें एक्टिन और मायोसिन संकुचन प्रसार का कार्य करता है, यानी कि एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर खिसकने से हमारे कंकाली मांसपेशी ऐच्छिक पेशियों में संकुचन और प्रसार होता है। एंड दोस्तों, जो अरेखित पेशियां होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, वो अपने आप कार्य करती हैं। ये लंबे तुर्क के आकार की होती है, इसमें ये अकंकाली होती हैं और इसमें धीमा संकुचन होता है, और इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, न हृदय पेशी में न अनैच्छिक पेशी में। और दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि और अनैच्छिक पेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, अपने आप कार्य करती हैं, जैसे कि हमारे आंतरिक अंगों जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, फेफड़े, लीवर आदि में होती है। और इसका जो संचालन करता है, नियंत्रण कौन करता है? एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा इसका नियंत्रण होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें लाल पेशी तंतु की तंतु उपस्थित होती है और रेखित पेशियों में। एंड अब बात करते हैं हृदय पेशी की। हृदय पेशी दोस्तों अनैच्छिक की तरह काम करती है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करती है, यह अपने आप काम करती है, जीवन प्रयत्न काम करती है। जिस दिन यह काम करना बंद कर देगा इंसान की मृत्यु हो जाएगी। बट यह इसकी जो संरचना होती है वह रेखित की तरह होती है। इस प्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय पेशियां हैं क्या? हैं, अनैच्छिक हैं बट रेखित की तरह कार्य करती हैं। यह ऑप्शन आपका सही होता है। तो हृदय पेशी में धीमा संकुचन होता है, यानी कि कभी थकता नहीं है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हृदय पेशियां संकुचित होती हैं धीमा की फास्ट, तो धीमा संकुचन और थकती नहीं है, ये आपका सही होगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक रेड मसल फाइबर यानी कि लाल पेशी तंतु किसमें उपस्थित होती हैं? तो हृदय पेशी में। और ये आपको याद ये रखना है कि जो रेखित पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उसका नियंत्रण सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो अरेखित पेशियां और हृदय पेशी होती है, इन दोनों का नियंत्रण करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हृदय में तीन पेशियां होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के एपिकार्डियम भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? तो हृदय पेशी में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? तो दोस्तों पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होती हैं।
नेक्स्ट है, एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? मांसपेशियों से। जैसा कि हमारे मांसपेशियों में दो फिलामेंट से होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टिन का मायोसिन पर खिसकने से हमारे मांसपेशियों में संकुचन होता है। और एक्टिन में दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? इसको सेरेटस एंटेरियर को कहते हैं, ठीक है, सेरेटस एंटेरियर को कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, बस उस वीडियो में मैं इस बात को गलत बता दी हूँ कि बॉक्सर मसल्स, उसमें मैं पेक्टोरलिस लैटिमस डोर्सी को बता दी हूँ, जबकि वो गलत है, ठीक है। बॉक्सर मसल्स आपका है सेरेटस एंटेरियर, आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों शरीर में थकान जो है वो पेशियों में दुग्धीय अम्ल बन जाता है। वो भी किस पेशियों में? रेखित पेशियों में, ये ध्यान में रखिएगा, कंकाली पेशियों में। एंड दोस्तों यह थकान यानी कि लैक्टिक एसिड यानी दुग्धीय अम्ल हिंदी में बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो जैसे दुग्धीय अम्ल वहां पे लैक्टिक एसिड न देकर के दुग्धीय अम्ल दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इंग्लिश वर्जन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो शरीर में थकान किसका परिणाम है? दुग्धीय अम्ल बनने का, यानी कि लैक्टिक एसिड बनने का। होता क्या है दोस्तों कि निरंतर काम करने से या एक्सरसाइज करने से या क्रिया करने से हमारे मांसपेशियों में आकुंचन यानी कि कंट्रक्शन होता है, संकुचन होता है, उसमें आकुंचन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और अतः लैक्टिक अम्ल की यानी लैक्टिक एसिड की अधिक अधिक मात्रा जमने से थकान हो जाती है। बट क्या होता है, ये थकान जो है लैक्टिक एसिड जो है आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय पश्चात विश्राम करने से धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर पाइरूविक अम्ल में बदल जाता है, और फिर थकान जो है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में से शरीर को सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशी तो हमारे जबड़े की मसेटर मसल्स का होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है इसमें आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा रेक्टस फिमोरिस, जिसे किक मसल बोला जाता है, और सोलियस मसल जो हमारे पैर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, ठीक है। अब ऐसे पूछेगा दोस्तों, हमारे जबड़ा दिया रहेगा तो जबड़ा सही रहेगा, मसेटर दिया रहेगा तो मसेटर, ठीक है, जबड़े की मांसपेशी को ही मसेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? जो भी चीजें आप थ्रो करते हैं फेंकने वाली चीजों में, उसमें किस मसल्स का यूज होता है? पेक्टोरलिस मेजर का, जो हमारे वक्ष पर होता है यानी कि छाती पर होता है, ठीक है। दोस्तों कौन मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है और किस मांसपेशी का क्या काम है, इसका वीडियो में डिटेल में बनाई हूँ दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लेंगे, सभी डाउट्स आपका क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोइंग व स्विमर मसल्स किसे कहते हैं? स्विमर मतलब तैरना, रोइंग मतलब जो हम नाव चलाते हैं पानी में, पानी वाले चीजों में, तो उसमें हम किसका अक्सर यूज करते हैं? तो वो आपका होता है लैटिमस डॉर्सी, ठीक है। कौन सी मसल्स होती है? लैटिमस डॉर्सी, जो हमारे कमर के ऊपर की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टेलर मसल किसे कहते हैं? तो टेलर मसल हम सार्टोरियस मसल को कहते हैं, जो रिबन के आकार की यानी पट्टा पेशी, पट्टा के जैसे आकार की होती है, हमारे कमर और जांघ में लगी हुई होती है, तो हमारे जांघ में पाई जाती है, उसको टेलर मसल भी बोला जाता है, सार्टोरियस मसल्स को। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। नेक्स्ट है दोस्तों, मलखम्ब या राइडर मसल्स किसे कहते हैं? तो मलखम्ब या राइडर मसल्स कहते हैं एडक्टर मांसपेशी को, जो हमारे घुटने के नीचे पाई जाती है, ठीक है, घुटने के नीचे पाई जाती है। कौन सा मसल्स? मलखम्ब और राइडर मसल्स, ठीक है, मलखम और राइडर मसल्स या इरेक्टर मंगस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? यदि आप किसी को सहायता कर रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं, तो किसे देते हैं? डेल्टॉइड मसल, जो हमारे कंधे की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है, पेक्टोर
इस मेजर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों ये हमारे थ्रोइंग मसल्स है, ये हमारे सीने के पास स्थित होती है। नेक्स्ट, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो दोस्तों हमारे जो पेट की मांसपेशी होती है रेक्टस एब्डोमिनस, वो आगे की ओर झुकने में संकुचित होती है। नेक्स्ट है कॉफ मांसपेशी यानी कॉफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों कॉफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोनेमियस। क्या है? गैस्ट्रोनेमियस। ये हमारे घुटने के नीचे के पीछे वाले भाग जो उठा होता है, थोड़ा मुलायम होता है, ठीक है, गद्दे की तरह उठा हुआ दिखाई देता है, वो होता है आपका गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी, जिसे कॉफ मसल्स बोला जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित है? जैसा कि आप सबको पता है यह हमारे ऊपरी बाह में, ऊपरी अंग के हाथ के पास होती है, ऊपर की तरफ बाइसेप्स, ठीक है, उसके जस्ट उल्टा नीचे की तरफ होता है ह्यूमरस हड्डी के ऊपर बाइसेप्स और उसके पीछे ट्राइसेप्स होता है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ये डेल्टॉइड मांसपेशी जो होती है हमारे कंधे पर स्थित होती है, यह हमारा स्विमर मसल्स होता है। डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है? यह हमारा लिप्टर मसल्स होता है। कौन सा मसल्स? लिप्टर मसल्स और स्विमर मसल्स दोनों है। नेक्स्ट है कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे स्थित होती है? जैसा कि अभी मैं तुरंत बताई हूं, ह्यूमरस हड्डी के पीछे कौन सी मांसपेशी होती है? ट्राइसेप्स, जो हमारे हाथ को प्रसारण करने में यानी कि फ्लेक्सर एक्सटेंशन करने में काम आती है। और इसी ह्यूमरस हड्डी के ऊपर कौन सी मांसपेशी होती है? बाइसेप्स, जो हमारे हाथ को फ्लेक्सन यानी कि मोड़ने में काम आती है। नेक्स्ट है बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? तो दोस्तों ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रही है, तो हमारी ऐच्छिक मांसपेशी है यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशी, जिसे हम रेखित मांसपेशी या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों की ताकत यानी एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो इसके अंतिम छोर को टेंडन कहते हैं, जो टेंडन के द्वारा ही मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है रेखित पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? तो रेखित पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सी पेशियां होती है? दोस्तों तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, क्या अमाशय में जो क्रिया होती है आपकी इच्छा अनुसार होती है? नहीं, तो यह अरैच्छिक पेशियां है यानी कि अरेखित पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों जो हड्डियों के साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं उसे रेखित मांसपेशियां कहते हैं यानी कंकाली मांसपेशियां, जिसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हैंसन तथा हक्सले ने अमेरिका में 1954 में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत यानी कि हमारे मांसपेशियों के संकुचन का सिद्धांत, हमारे मांसपेशियों के सरकने का जो सिद्धांत है, इसको दिया था। नेक्स्ट है मांसपेशियों में फाइबर्स यानी मसल्स फाइबर के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? तो बायोप्सी तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं यानी कि मांसपेशी तंतु होते हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? दोस्तों तो जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर होते हैं व्हाइट मसल्स फाइबर, जो स्प्रिंट दौड़ों में यानी कम समय की क्रियाओं में प्रयोग होता है, ठीक है, स्प्रिंट दौड़ों में कम समय की क्रियाओं में प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मानव शरीर में मसल्स फाइबर यानी तंतु दो प्रकार के होते हैं, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर स्लो ट्विस्ट होती है यानी धीरे धीरे संकुचित होती है, और व्हाइट मसल्स फाइबर जो है फास्ट ट्विस्ट फाइबर है, जो जल्दी जल्दी संकुचित होती है। एंड जो व्हाइट मसल्स फाइबर होती है एनएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन की क्रिया होने वाली क्रियाओं में होती है, जैसे कि स्प्रिंट दौड़े कम समय की क्रिया। जो रेड मसल फाइबर होती है जो
स्लो ट्विस्ट, धीरे धीरे ट्विस्ट होती है वो एरोबिक क्रियाओं में होती है, जैसे कि लंबे समय की क्रिया, जैसे इंड्योरेंस वाले, जैसे कि सहनशीलता वाले गेम, जैसे लंबी दूरी की दौड़े। और माइटोकांड्रिया अधिक मात्रा में इसमें होती है रेड मसल्स फाइबर में, और सहनशीलता यानी इंड्योरेंस ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है आपका धीरे धीरे संकुचित यानी कि स्लो ट्विस्ट फाइबर, कौन से फाइबर होते हैं? तो कौन से फाइबर होते हैं? रेड मसल्स फाइबर स्लो ट्विस्ट होता है। नेक्स्ट है एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार की फाइबर अधिक सक्रिय होती हैं? एरोबिक तरह यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी लंबे समय की क्रिया, यानी कि इंड्योरेंस यानी सहनशीलता वाले खेल, जैसे लंबी दूरी की दौड़ आदि में धीरे धीरे ट्विस्ट होने वाले फाइबर यानी कि रेड मसल्स फाइबर अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनएरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर यानी तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? अनएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है, छोटे समय की क्रिया जो होती है, जैसे स्प्रिंट दौड़े, उसमें फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि सफेद मसल फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर का यूज होता है, सक्रिय होता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको एटीपी के बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो यह दोस्तों सार्कोलेमा से घिरी रहती है। नेक्स्ट है मांसपेशी कोशिका की जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मांसपेशी कोशिका में जो जैव द्रव्य भरा रहता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्म में जो पाए जाने वाला तंतु होता है उसको मायोफाइब्रिल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? तो ये सब प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो इसमें दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में यह अनैरोबिक क्रिया होती है, बिना ऑक्सीजन के संपन्न होती है, इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है और क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है दोस्तों यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि ऑक्सीजन एकदम अनुपस्थित नहीं होता है, यानी कि यह अनाक्सी शोषण में होता है, यानी कि कम आवश्यकता होती है, जैसे कि एक कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जब हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़ों में जो एल्वोलाई होता है वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वहां से ऑक्सीजन ग्रहण करके सीधे चला जाता है कोशिकाओं में, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके ले जाता है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जाने के बाद सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाते ही कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूविक अम्ल के अणु का निर्माण होता है, जिसमें से 4 एटीपी का निर्माण बनता है, जिसमें से 2 एटीपी विभिन्न क्रियाओं में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शुद्ध बचता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी होते हैं। कितने होते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है, शुद्ध रूप से। ठीक है, एंड दोस्तों जो यह अनैरोबिक क्रिया होती है, ठीक है, अनैरोबिक श्वसन होती है, जैसे वायवीय अवायवीय श्वसन होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस को अवायवीय या अनैरोबिक श्वसन कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस न पूछ करके अवायवीय श्वसन भी पूछ सकता है एंड अनैरोबिक श्वसन भी पूछ सकता है कि कितने एटीपी बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय प्रक्रिया में कोशिका में कहाँ होती है? जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में चयापचय प्रक्रिया होती है वह कोशिका में कहाँ होती है? यह कोशिका में माइटोकांड्रिया में होती है। जब यह 2 एटीपी बनता है पाइरूविक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से, तो यह आपका 2 पाइरूविक अम्ल चला जाता है आपके माइटोकांड्रिया में।
माइटोकांड्रिया में दोस्तों विशेष प्रकार की एंजाइम की उपस्थिति में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर किया जाता है ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें एरोबिक क्रिया संपन्न होती है। एरोबिक यानी वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन श्वसन होता है इसमें। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बने हुए दो पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती हैं और एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी बनते हैं। इसलिए दो पायरुविक अम्ल से 18 दुना 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म में यानी क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी का निर्माण होता है। कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया में। कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया में। आपको यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में एटीपी प्रयुक्त होते हैं कितने दोस्तों? 36 एटीपी। यही भी पूछेगा अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में तो 2 एटीपी। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया या अनएरोबिक प्रक्रिया या अवायवी या अनाक्सी या अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में इतने प्रकार से पूछ सकता है। उस पे 2 एटीपी बनेगा और एरोबिक मेटाबॉलिज्म या वायवी मेटाबॉलिज्म में या ऑक्सी श्वसन या क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी। आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। इस प्रकार मिलाकर के कुल 38 एटीपी बनता है। दोनों मिलाकर के ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और क्रेब्स चक्र दोनों मिलाकर के 38 एटीपी बनता है। बट अलग अलग पूछेगा तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 और क्रेब्स चक्र यानी कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म में 36। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा हम एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसके बारे में मैं दोस्तों श्वसन तंत्र वाले विभिन्न वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र यानी साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है या बाइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया को ऊर्जा उत्पादन करने का ऊर्जा उत्पादन कौन करता है दोस्तों? माइटोकांड्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? इन दोनों के मध्यवर्ती कोएंजाइम को एसिटिल कोएंजाइम बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और एक ग्लूकोज के जारण से 2 पायरुविक अम्ल बनता है, यानी कुल मिलाकर के पूरे श्वसन प्रक्रिया में एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एटीपी को पूर्ण रूप से क्या लिखते हैं? तो एटीपी को पूर्ण रूप से इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या करता है? ऊर्जा को बने हुए ऊर्जा को यानी कि पाचन के बाद जो ऊर्जा होता है एटीपी के रूप में होता है। ये एटीपी जो होता है माइटोकांड्रिया में बनता है और यह एटीपी यह ऊर्जा के रूप में समस्त शरीर में जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां जाता है। नेक्स्ट है एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है? तो एटीपी दोस्तों एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी के रूप में ऊर्जा देता है। नेक्स्ट पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है दोस्तों? तो ये एटीपी जो होता है पाचन के बाद जो हमारे शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊर्जा में परिवर्तित होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अंत में एटीपी के रूप में ऊर्जा को एटीपी हमारे समस्त शरीर में स्थानांतरित यानी भेजता है। नेक्स्ट है सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जैसा कि दोस्तों हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उतना ही हमारे श्वसन प्रक्रिया में जाता है, बट वापस कितना आता है? 4%। कितना आता है? 4%। यानी कि वापस आता है 4.4%। यहाँ पे ऑप्शन में 4% ही दिया है तो इतना ही आपका सही रहेगा। बट दोस्तों एक यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो हम सांस ग्रहण करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन हमारे अंदर लिया जाता है 21% और वापस छोड़ा जाता है 16 या 17%, एंड जो नाइट्रोजन होता है 79% या 78 या 79% जाता है और पूरा का पूरा बाहर आ जाता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर जाता है और वापस आता है 4.4%। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% ही सांस के द्वारा अंदर जाता है, बट वापस 4.4% कैसे आ जाता है? क्योंकि दोस्तों जो हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त होती है वो पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए आती है, और गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों के एल्वियोलाई द्वारा। जब हम यहाँ से अंदर सांस लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को अशुद्ध रक्त ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते समय ज्यादा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 21% होती है। वहीं बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछता है तो 16% हो जाता। नेक्स्ट है, रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है दोस्तों? तो एनैच्छिक मांसपेशियां होती है रक्त नलिकाओं में। नेक्स्ट है, एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों एपिकार्डियम मांसपेशी हृदय में पाई जाती है दोस्तों। जैसा कि हृदय में 3 मांसपेशियां पाई जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम की परत में सेरस नामक द्रव होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रेपेजियस मांसपेशी कहाँ इस पाई जाती है? तो दोस्तों यह ट्रेपेजियस मांसपेशी जो होती है पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, गर्दन के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, लैटिमस डोर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? यह हमारे कमर के पास की पेशी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेक्टोरिलिस मेजर मांसपेशी जो हमें थ्रोइंग मसल्स होती है, ये कहाँ पे होती है दोस्तों? ये हमारे छाती में होती है, वक्ष में। नेक्स्ट, डेल्टॉइड मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है दोस्तों? यह हमारा त्रिकोणात्मक आकार का होता है, त्रिकोणाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट की मांसपेशी ऑब्लिक्यू एब्डोमिनस कैसे मजबूत होती है? तो यह सीटअप के द्वारा मजबूत होती है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि सीटअप से क्या डेवलप होता है, तो हमारे पेट की मांसपेशी की स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस डेवलप होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे है? जैसा कि आप सबको पता है मांसपेशी से है, इसमें 2 फिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन होता है, और एक्टिन के भी 2 प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट दोस्तों, टेंडन क्या है? जैसा कि कई बार रिपीट हो चुका है हर वीडियो में, टेंडन जो होता है वह हमारे, टेंडन को कंडरा कहते हैं हिंदी में, यह पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। और वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपैथी बोला जाता है। नेक्स्ट है, एनएरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? एनएरोबिक यानी कि बिना हवा के, एरोबिक मतलब हवा, बिना हवा यानी कि बिना ऑक्सीजन के क्रियाएं, जो छोटे समय की क्रिया होती है, यह क्या होती है, किसे कहते हैं एनएरोबिक क्रियाएं? ये छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट से कौन से 2 मुख्य प्रोटीन की उत्पत्ति होती है? तो ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मसल फाइबर में माइटोकांड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किस मसल फाइबर में माइटोकांड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों स्लो ट्विस्ट फाइबर में, किसमें पाई जाती है? स्लो ट्विस्ट फाइबर में सबसे ज्यादा मात्रा में माइटोकांड्रिया पाई जाती है, क्योंकि वो एरोबिक होती है, लंबे समय तक की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें स्लो ट्विस्ट यानी कि रेड मसल्स फाइबर में माइटोकांड्रिया की मात्रा अधिक होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया जो होती है हृदय पेशियों में होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम आयंस जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो एनिमल प्रोटीन को, जो हमारे एनिमल्स यानी कि जानवरों से पाया जाता है प्रोटीन्स, उसको एनिमल्स प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्लास बी प्रोटीन्स किसे कहते हैं? इसको वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं, जो सब्जियों पौधों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? जैसा कि एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, और एक्टिन का मायोसिन पर फिसकने से ही हमारे मांसपेशियों में संकुचन होता है, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट से कौन से 2 प्रोटीन की उत्पत्ति होती है?
उत्पत्ति करता है एक्टिन फिलामेंट्स, या ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन उत्पत्ति करता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? जैसा कि आप सबको पता है, तीन प्रकार की पाई जाती है, ऐच्छिक यानी रेखित पेशियां, अनैच्छिक यानी अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं एपिमाइसियम। और दोस्तों, उस एपिमाइसियम के नीचे बहुत सारे मांसपेशी फाइबर के बंडल होते हैं, उस मांसपेशी तंतु के बंडल को जो घेरे रहता है उसको कहते हैं पेरिमाइसियम। फिर एक मांसपेशी को जो घेरे रहता है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि एक मांसपेशी तंतु को घेरने की बात पूछेगा तो एंडोमाइसियम, मांसपेशी बंडल के समूह को घेरने की पूछेगा यानी कि फासिक्यूलस को घेरने की पूछेगा तो पेरिमाइसियम, एंड संपूर्ण मांसपेशी या मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत पूछेगा तो एपिमाइसियम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक मांसपेशी को घेरा है एंडोमाइसियम, मांसपेशी तंतु के बंडल के समूह को घेरा है पेरिमाइसियम, एंड संपूर्ण मांसपेशी को कौन घेरा है? एपिमाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो एंडोमाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। लिगामेंट्स जो होता है, जोड़ों पर दो हड्डियों के तंतु को जोड़ता है, दो हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड इकट्ठा हो जाता है? जैसा कि कई बार ये भी रिपीट हो चुका है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में थकान होता है। नेक्स्ट दोस्तों, टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो सार्टोरियस मसल्स को टेलर मसल्स कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। हमारे हिप को मोड़ने में और कमर को मोड़ने में और हमारे घुटने को पैर को सीधा करने में काम आता है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक व्यायाम में मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, यह किसी भी संबंधित कार्य को करने के लिए सक्षम होती है, ठीक है। और इसका तात्पर्य मांसपेशियां मजबूत व लचीली हो जाती है, ठीक है। ये आपका होता है, यानी कि किसी भी कार्य के लिए हम ज्यादा सक्षम हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत और लचीली हो जाती है व्यायाम करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि लगातार अभ्यास करने से मांसपेशी के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? तो लगातार हम अभ्यास करेंगे तो मांसपेशी के फाइबर यानी तंतु जो होते हैं मोटे व मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? मांसपेशियों की बार बार संकुचन एवं प्रकुंचन से मांसपेशियों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो दोस्तों, अभ्यास जब हम करेंगे तो मांसपेशी मजबूत होगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कोशिकाओं की मात्रा बढ़ेगी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास करने के कारण क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है, कि लैक्टिक एसिड देर से बनता है, कि लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में बनता है। दोस्तों, आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। लगातार अभ्यास करने के कारण क्या होता है? एक बार आप अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड देर से बनता है और आप देर से थकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, लगातार अभ्यास से मांसपेशी की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इस धमनियों सिराओं का लगातार अभ्यास करने से क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है, जिसे वैसोडाइलेशन बोला जाता है। और व्यास बढ़ने से क्या हो जाता है? ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, हमारे शरीर में जो भी गंदगी होगी बाहर निकलेगा और हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों में अभ्यासों के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा सीपी की मात्रा लगभग कितने परसेंट बढ़ जाती है? यह लगभग 25% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम ज्यादा अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा बनेगी और ज्यादा एटीपी बनेगी, हमारे मांसपेशियों में ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होगा।
तो ये स्टोर करने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास से मांसपेशियों की कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभ्यास से मांसपेशियों में किस की मात्रा बढ़ जाती है? तो सीपी, एटीपी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ग्लाइकोजन, इन सभी की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांसपेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। इस वीडियो में जितने भी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उससे बाहर ही कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता है दोस्तों, इसके अंदर ही सभी क्वेश्चंस आपके होंगे। तो इसको एक से दो बार आप वीडियोज को देख लेंगे तो अवश्य आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों थियोरिटिकल जो पार्ट है उसका वीडियो मैं डिटेल में मांसपेशी तंत्र के हर एक पार्ट का बनाई हूँ। एंड दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी कमियां होंगी उसे भी कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होगा उसे भी कमेंट में जरूर बताइए। मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।